मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था आसमा को देखे बगैर। मैंने सोचा कि आप सबका भी यही हाल होगा, तो इसलिए आप सबको आसमा से मिलवाने ले आई। पता नहीं कैसा हाल होगा उस बेचारी का। चलो आइए। आसमा पुत्र, उड़ारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार आसमा को सभी घर वाले जो है घर से निकाल देंगे, उससे पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ लेंगे, क्योंकि भाई फिलहाल आसमा हरकतें ही ऐसी कर रही है, और वो भी हमें पता चल रहा है कि इनकी हालत काफी बिगड़ रही थी, इसलिए इन्हें हैवी इंजेक्शन दिए गए हैं। रब मैनू कदे माफ नहीं करेगा, कितना गलत समझ लिया था मैंने इसे। मैनू के बता दी इतनी ज्यादा तकलीफ में। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। ये आसमा जानबूझकर नहीं कर रही, ये सब वो सिर्फ और सिर्फ आलिया के कहने पर कर रही है, क्योंकि फिलहाल आलिया को तो पता ही है कि उसकी दूसरी बच्ची कहाँ है, और आपको और हमें तो पता ही है कि आसमा की दूसरी बच्ची जो है वो कोई और नहीं बल्कि मेहर है, लेकिन ये बात जो है वो आसमा को नहीं पता। इसे जल्दी ठीक कर। आसमा पुत्र और आसमा अपनी दूसरी बच्ची के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, इसलिए वो ठीक वैसा वैसा कर रही है जैसा कि आलिया उसे करने को कहती है। लेकिन भाई यहाँ पर अरमान का दिल नहीं मान रहा कि आसमा उसकी बीवी कुछ ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी है जो हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? नहीं नहीं तू लो, मैंने कहा ना तुम लोगों को नहीं देना मुझे किसी का भी जवाब। आसमा की हरकतें जो हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही घर वालों को और अरमान को भी। तो वहीं आगे हम देख रहे हैं कि भाई दोबारा से आलिया जो है आसमा से गलत काम करवाती है, जहां पर इस बार हम देखने को मिल रहा है कि इस बार वो अरमान का बिजनेस जो है तबाह करवाती है आसमा के हाथों। और यहां पर जब ये बात सभी घर वालों को पता चलती है तो सब इसकी तो तबीयत और भी खराब हो गई है, ये यहां कैसे ठीक होगी बेबे? पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इस बार अरमान जो है वो आंख बबूला हो चुका है, और वो कहता है कि भाई आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। और आगे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार आलिया जो है वो आसमा को पागल साबित कर देती है, और कहती है कि भाई आसमा को हमें हॉस्पिटल भेजना होगा, क्योंकि उसे याद ही नहीं है कि वो करती क्या है। और ये बात जब अरमान को पता चलती है वो भी काफी शॉक में आता है, और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि वो आसमा से लेटर लिखवाता है और कहता है कि तुम इस पेपर पर खुद ही लिखो कि तुम मेंटली इल हो और तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई आसमा जो है सच्चाई लिखती है लेटर में, और फिलहाल लेटर में नहीं दिखाया गया कि क्या लिखा है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरमान के सामने इस बार आलिया की सच्चाई आती है या नहीं। इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई अब कहानी में आगे आने वाले एपिसोड में हमें सीधा 15 साल के बाद की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पर हम देखने वाले हैं कि भाई आसमा की दोनों बच्चियां यानी हानिया और मेहर जो है उनकी 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि इस बार भी दोबारा की तरह हमेशा की तरह उड़ारिया का सेम कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा, जहां पर दो बहनें एक लड़कों के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी।